अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं ये वीडियो आपके सामने लेके आया हूँ। मुझे किसी पब्लिसिटी की ज़रूरत नहीं है। मैं ये नहीं चाहता हूँ कि मेरी वीडियो वायरल हो जाए, लोग मुझे इस वीडियो की वजह से जानने लग जाएं, स्क्रीन पे आ जाऊँ। ऐसा कुछ नहीं है, मेरा इंसानी जज्बा है, उस जज्बे को लेके मैं आपके सामने आया हूँ। मैं एक स्टूडेंट हूँ। कुछ दिन पहले आपने देखा होगा कि जम्मू कश्मीर के एक छोटे से इलाके रियासी में, छोटा सा गांव है वहां पे, तो कुछ गौरक्षक नाम के कुछ गुंडों ने उन पर अटैक कर दिया। वो गाय को पालते हैं, उससे दूध लेते हैं, फिर दूध बेच के अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं, दो वक्त की रोटी खाते हैं, लेकिन उन पे इस तरह से अटैक होता है, उन सब लोगों को घायल कर दिया जाता है, इतनी बेरहमी के साथ मारा जाता है। एक 9 साल की बच्ची है, 9 साल की बच्ची को नहीं बख्शते हैं, उसको भी गाली गलूज दे के डंडे से मारते हैं। अबे तुम गवरक्षक हो? अरे तुम चोर हो, शक्ल से ही तुम चोर लगते हो, बदमाश लगते हो। तुम्हारे घर में माँ बहन नहीं है क्या? तुम इस तरह से किसी की माँ, किसी की बहन को गाली देते हो, उसको मारते हो, पीटते हो गौरक्षा के नाम पे। गाय तुम्हारी माता है, ठीक है, हम मुसलमानों को जिस हद तक हमारा इस्लाम इजाज़त देता है कंप्रोमाइज़ करना चाहिए, और दूसरी बात हमें इज्जत करनी चाहिए, हम इज्जत करते भी हैं, हमने कंप्रोमाइज़ भी किया है, लेकिन तुम हमारी माँ बहनों को आके गाली दोगे, उन्हें डंडे से मारोगे, तुम घर के किसी घर के बड़े इंसान को मार दोगे, बाकी लोग सब दर बदर हो जाते हैं, फिर उन रोजी रोटी कमाने के लिए उनके घर में कोई और नहीं होता है। तुम गौरक्षक कहते हो खुद को? अबे तुम गौरक्षक, सेल्फ डिक्लेयर्ड गौरक्षक कहाँ से बन गए यार? तुम्हें लाइसेंस कहाँ मिला है? तुम देश का कानून तोड़ते हो, देश के कानून की धज्जियां उड़ाते हो, फिर अपने आप को देशभक्त भी कहते हो। अबे ये जम्मू कश्मीर है, यहाँ पे पंगा लिया तो नंगे हो जाओगे, याद रखना ये राजस्थान नहीं है, जहाँ पे तुम लोग किसी की हत्या करते हो, किसी को जान से मारते हो गौरक्षा के नाम पे, और फिर तुम्हें वहाँ के नेता, वहाँ के बड़े बड़े चोर और लुटेरे देशभक्त कहते हैं, तुम्हें भगत सिंह का टाइटल भी दिया जाता है। तुम जानते हो भगत सिंह कौन थे? अरे भगत सिंह एक साफ जहनियत का इंसान था। तुम्हारे अंदर तो गोबर पड़ा है तुम्हारे दिमागों में, तुम किसी की माँ और किसी की बहन को नहीं बख्शते हो, गाली देते हो। तुम इंसान हो? तुम जानवर हो? तुम्हें इंसान कहलवाने का कोई हक नहीं है? अगर तुम्हारे सर पे दो सींग लगा दिए जाएंगे ना, या तो तुम भेड़ बकरी लगोगे, या तो तुम गाय और बैल लगोगे। तुम्हारे पीछे अगर पूंछ लगा दी जाएगी ना, तो तुम कुत्ते लगोगे। तुम नहीं हो इंसान की औलाद, होती तो तुम इंसानों की इज्जत करते। गाय तुम्हारी माता है, हर मुसलमान इज्जत करता है, हर मुसलमान इज्जत करता है। मैं भी एक मुसलमान हूँ, मैं इज्जत करता हूँ आपकी, और हमें करनी चाहिए, हर मुसलमान को करनी चाहिए। अरे अमेरिकन कंपनीज, इंडिया में एस्टेब्लिश्ड कंपनीज हैं, वो गाय के चमड़े की बेल्ट्स बेचते हैं, तैयार करते हैं, मार्केट में भेज देते हैं। फिर तुम मुझे बताओ, तुमने उनके खिलाफ आवाज उठाई? तुमने उनको बंद कराने की बात की? तुम चलो प्रोटेस्ट करो, हम मुसलमान तुम्हारे साथ चलेंगे, हम कहेंगे कि भाई ये कंपनीज जो हैं इनको बंद कर देना चाहिए हिंदुस्तान में, क्योंकि यहाँ पे गाय के चमड़े की बेल्ट्स बिकती हैं। अरे गाय की चमड़ी कहाँ से आती है? गाय से ही तो आएगी, इसका मतलब गाय को मार के वो चमड़ी आती है वहां पे, या जिंदा गाय से काट के वहां पे बेल्ट्स बनाई जाती है उसकी? तुम कहाँ सोए हो? तुम्हें बीजेपी ने इतना भड़का दिया, इतना भड़का दिया कि तुम अपना दिमाग भी खो बैठे हो। समझने वाली सोचने वाली बात है, ये जम्मू कश्मीर है, यहाँ पे ये गुंडागर्दी नहीं चलेगी, कुत्ते की मौत मरोगे तुम लोग। यहाँ पे लोग इज्जत से जी रहे हैं तो जीने दो, ये गुंडागर्दी नहीं चलेगी। बीजेपी के कहने पे तुमने चलना है तो जाओ मोदी जी के साथ बैठ जाओ वहां पे, ठीक है, जिन्होंने ये खुल्लम खुल्ला छूट तुम लोगों को दी है। इस तरह से करते हैं क्या गाय की रक्षा? इस तरह से करते हैं? अरे गाय को पालो अपने घर में, उसको खाना खिलाओ, उसको जो खुद खाते हो उसको भी खिलाओ, और घास उसको खिलाओ, उसको घास की जरूरत पड़ती है, उसको पानी की जरूरत पड़ती है, पानी पिलाओ। तुमने उसको मार दिया, उन गरीबों को पीट दिया वहां पे रियासी में, जो गाय को पालते थे, गाय को घास देते थे, जो गाय को मतलब पानी देते थे, उनको तुमने पीट दिया, और तुम अपने आप को मर्द कहते हो, गौरक्षक कहते हो, ना मर्द हो तुम। 9 साल की बच्ची को तुमने इस तरह से पीटा वहां पे, तुम मर्द कहलवाने के लायक भी हो क्या? शैतान की फौज हो तुम किसी धर्म से ताल्लुक रखने वाले लोग नहीं हो।
याद रखना।